Good evening, dear brothers and sisters who are attending the Bible study hour of LifeSpring Assembly. और आप सभी को आज की शाम में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं सारे भाइयों और बहनों का वे जो LifeSpring Assembly कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूं. And I hope you all have had a wonderful week. मुझे पूरी आशा है कि एक अच्छा और अद्भुत हफ्ता आप सबका बीता है. And we are now ready to learn a new lesson from 1 Corinthians. और आज की शाम हम एक नए शिक्षा को सीखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री से. I hope you are sitting with your entire family. और मुझे पूरी आशा है कि आज की शाम आप अपने पूरे परिवार के संग बैठे हैं. With a pen and a paper or a diary so that you can write down these references and also points. एक पेन, एक पेंसिल या एक डायरी को लेकर ताकि आप वचनों को लिख सके, नोट्स को बना सके और मुख्य शिक्षाओं को भी लिख सके. These are very very beneficial lessons. और ये बड़े लाभकारी शिक्षाएं हैं. That all of us as people of God must understand the word of God and obey. जिन्हें हम सबको परमेश्वर की संतान होते हुए समझना है और आज्ञाकारी बनना है. We are in chapter 11 of 1 Corinthians. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय पर हैं. We have been looking into verses 10 of verses 10 and verses that precedes verse 10. और हम उन वचनों की ओर अपने अध्ययन को कर चुके हैं जो 10वें पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 10वें वचन तक थे. And so today we shall read verses 11 and 12. इसलिए आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 11वें और 12वें वचन को पढ़ेंगे. And our pastor Mahendra will read it in Hindi. Listen very carefully. You follow in your own Bible. और कृपया करके जब मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ, आप अपनी अपनी बाइबल में ध्यान पूर्वक इस वचन की ओर देखिए. तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं. Well, we have been looking into certain principles of man and a woman relationship. और हम कुछ सिद्धांतों की ओर देख रहे थे एक पुरुष और स्त्री के रिश्ते के बीच के. We have already considered three. और हमने पहले से ही तीन उन सिद्धांतों के विषय में बात किया है. And the first of these was, so we understand that man was created in the image and glory of God. और पहला सिद्धांत ये था कि परमेश्वर ने उस पुरुष को अपनी सदृश और अपनी महिमा में बनाया. And therefore man has to honor the creator God by living in conformity with God's purposes. और इसलिए एक मानव को, मनुष्य को परमेश्वर का आदर करना है उसकी इच्छा अनुसार, उसके योजना अनुसार जीने के द्वारा. एंड प्रिंसिपल नंबर टू, दूसरा सिद्धांत, वुमन वॉज क्रिएटेड लेटर एंड शी वॉज टू बी द ग्लोरी ऑफ मैन. और स्त्री को बाद में परमेश्वर ने बनाया और वो पुरुष की महिमा के लिए था. So she was not to take the place of man. और इसलिए नहीं बनाया कि वो पुरुष का स्थान ले ले. And she was given a place of her own. और उसे अपना एक स्थान दिया गया है. And that place was by the side of man. और वो स्थान था पुरुष के बगल में. And the third principle was, और तीसरा सिद्धांत ये था, woman must recognize man's authority, कि एक स्त्री को पुरुष के अधिकार को मानना है, समझना है, and not to rebel against man's authority given by God. और उस पुरुष के अधिकार के विरुद्ध नहीं खड़े होना है जो परमेश्वर ने खुद पुरुष को दिया है. So today we shall consider the fourth principle. और इसलिए आज की शाम हम चौथे सिद्धांत की ओर देखेंगे. From the verse that we have read. और जो वचन हमने पढ़ा है. The fourth principle in the man and woman relationship is to recognize the essential partnership between man and woman. और चौथा सिद्धांत ये है कि हम पहचाने पुरुष और स्त्री के बीच एक महत्वपूर्ण रिश्ता जो है. Now this point is simply and clearly stated in this passage we have read. और इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से, साधारण पूर्वक
इस वचन में दिखाया और बताया गया है जिसे अभी हमने पढ़ा. So there are two, three things we should look in. और इसलिए दो तीन बातें हैं जिसकी ओर हमें देखना है. Number one, पहली बात, neither man nor woman is independent. ना ही पुरुष और ना ही स्त्री आजाद हैं. Independent of the other. वो एक दूसरे पर, एक दूसरे से आजाद नहीं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है. So that simply means man is not independent of the woman, neither woman is independent of man. और इसका मतलब यही है, ना तो पुरुष स्त्री से, स्त्री पर इसके पे निर्भर है और ना ही स्त्री पुरुष के ऊपर निर्भर है. And the Lord has ordered it that they are mutually dependent upon each other. और परमेश्वर ने इस बात की अनुमति और आज्ञा दी है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो आपसी सहमति के साथ एक दूसरे पर निर्भर हों. And it is God's order. और यही परमेश्वर की रचना है. And God being our creator, he is all wise. और परमेश्वर क्योंकि हमारा सृष्टि करता है, वो सर्वज्ञानी है. And it is in his wisdom and authority, he has placed this order in the relationship between man and woman. और अपने ज्ञान में और अधिकार में उसने इस रिश्ते की स्थापना करी और इन बातों को स्थापित किया पुरुष और स्त्री के बीच में. So the Lord has ordered it that they are mutually dependent upon each other. और इसलिए परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा दी है कि वो आपसी सहमति से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों. And let us not disturb the order of God. और आइए हम परमेश्वर का जो रचना है, संरचना है, उसको खराब ना करें, उसके विरुद्ध ना आए. What is the reason for all kind of chaos and disorder and rebellion and all kinds of evil thing in the world today, wherever we go? और संसार में मौजूद हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार का जो हम अस्थिरता को देखते हैं, सब का कारण क्या है? That will naturally result when people or men and women depart from God's pathway and become rebel against his order. और ये तो बड़ा स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है कि ये तब होगा जब पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर की योजना से, उसकी इच्छा से बाहर जाकर अपनी इच्छा से काम करते हैं. And man therefore tried to misuse his authority over woman. और इसलिए एक पुरुष अपने अधिकार को जो एक स्त्री के ऊपर है उसका गलत उपयोग करता है. So instead of considering her and looking at her as her his partner equal to him. और इसकी बजाय कि वो उस स्त्री की ओर अपने सहयोगी, अपने सहभागी की तरह देखे और अपना भाग माने. He began to treat woman, the wife, as someone subordinate and someone to be under his. तो वो पत्नी के संग व्यवहार करने लगता है एक ऐसे रूप में कि एक ऐसी स्त्री के रूप में जो एक ऐसी व्यक्ति है जो उससे नीचे है और उसके अधीन बने रहे. And when we try to displace God's order and bring our own order, naturally it will end in chaos and disorder and utter confusion. और जब हम परमेश्वर की संरचना को हटाकर अपनी इच्छाओं रचना को लाएंगे और स्थापित करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि ये समस्याएं होंगी. And the second thing to notice, और जो दूसरी बात हमें देखनी है, the woman is from man, created from his side. कि एक स्त्री एक पुरुष से है और पुरुष के बगल से जो रीढ़ की हड्डी को निकाला गया उससे बनाई गई. And the man is from the woman, born of a woman. और एक पुरुष भी स्त्री से है क्योंकि हर पुरुष एक स्त्री से ही जन्म लेता है. So we understand that. और इसलिए हम इस बात को समझते हैं. Only the first woman was created from the side of man. खाली पहली ही स्त्री जिसकी रचना परमेश्वर ने की, उसकी रचना परमेश्वर ने पुरुष के बगल से हड्डी को निकाल के And किया. This, that order is set. और उसके बाद वो रचना, वो संरचना को परमेश्वर ने स्थापित कर दिया. And since then, और उसके बाद, उसके पश्चात से, man also is born of woman, woman also is born through man. और तब से आगे बढ़ करके एक पुरुष का जन्म स्त्री से और स्त्री का जन्म पुरुष से होता And therefore, है. और इसलिए the third thing to notice is, जो तीसरी बात हमें देखनी है, all things are from God, man or woman.
कि सब बातें परमेश्वर से पुरुष से या स्त्री से हैं। So let us understand this. कृपया इस बात को हम समझें। This is God's order. ये परमेश्वर की संरचना है। Let us acknowledge this. और इस बात को हम माने। And then submit ourselves to these principles to guide us and maintain our relationship with each other. और इन सिद्धांतों के प्रति हम खुद को समर्पित कर दें ताकि हम अपने बीच के उस शांति और मेल मिलाप को बना करके रखें। The point is this here. और जो बात यहाँ पर स्थापित करते हैं, it doesn't really matter who is from whom. ये मायने नहीं रखता कि कौन किससे है। Both man and woman are of God. दोनों ही पुरुष और स्त्री परमेश्वर से हैं। So accordingly, और इसी कारणवश, God has put this order. परमेश्वर ने इस संरचना को तैयार किया। Let us read Ephesians chapter 5 verses 22 to 25. और आइए एफिसियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 22वें वचन से हम पढ़ें। एफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय 22 से 25 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Now we read here, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So, when husband and wife understand and practice the passage we just read, जब पति और पत्नी दोनों लोग उस वचन उस अध्याय को स्वाभाविक बनाते हैं, उस पर चलते हैं जो हमने अभी पढ़ा, we are maintaining our relationship within the framework of God's order. तब हम अपने रिश्ते को परमेश्वर की संरचना में के अनुसार बनाए हुए हैं। So there cannot be any confusion or chaos or disorder. तब कोई अस्थिरता, कोई लड़ाई या किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। So those of you who are listening, और इसलिए आप सब जो सुनते हैं, bring this order in your relationship with your husband and your wife. इस संरचना को आप अपने पति या पत्नी के संग रिश्ते में जरूर लाएं। Because God is a God of order. क्योंकि परमेश्वर एक संरचना का परमेश्वर है, एक बातों को स्थायी रूप से स्थापित करने वाला परमेश्वर है। So that is the fourth principle. और ये वो चौथा सिद्धांत है। Now look into our fifth principle. और पांचवें सिद्धांत की ओर हम देखेंगे। For this we shall read chapter 11 verses 13 to 15. और इसके लिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13, 14 और 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को घाड़े सिर परमेश्वर की से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। जज फॉर yourselves, इज इट प्रॉपर फॉर अ वूमन टू प्रे टू गॉड विद हर हेड अनकवर्ड? Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is a disgrace to him? But that if a woman has long hair, it is her glory. For long hair is given to her as a covering. Now, what is Paul saying here?
और यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? Here is the first fifth principle in guiding our actions is to use good common sense. और यहाँ पर वो पांचवा सिद्धांत ये है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें. In order that we may guide our actions. ताकि हम अपने कार्यों को निर्धारित कर सकें. All our activities, हमारे सारे कार्य, in our relationship must be based on what God's word teaches us. हम उन पर निर्धारित हों जो परमेश्वर हमें सिखाता है. So there is something called common sense. और इसलिए एक बात है जिसकी हम बात एक बात है वो है विवेक, सरल विवेक. There are two things necessary in order to know what to do in a given situation. और दो ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक परिस्थिति में, दी गई परिस्थिति को सामना करने के लिए. And there are two things we must keep: thinking and honesty. और दो ऐसी बातें हैं जो हमें देखनी हैं, वो है सोचना और सच्चाई. Now the great tragedy is. और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है. Not too many persons think through these issues of life. कि ज्यादातर लोग जीवन के इन परिस्थितियों, इन चुनावों और इन परेशानियों को लेकर बिल्कुल सोचते ही नहीं. We are only looking at the surface of what of the letter, what is written there. और हम तो सिर्फ ऊपरी स्तर पर देख रहे हैं कि वहां पर लिखा क्या है. But it is necessary for us to think through sensibly under the guidance of the Holy Spirit. What the word of God is actually telling us. लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सोचें, देखें और सोचें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है. Not only in our relationship. ना केवल हमारे रिश्तों में. In the all other issues of life. लेकिन जीवन के हर एक दूसरी परेशानी और परिस्थितियों में भी. Think through. सोचिए. And then be honest about what you understand. और उसके बाद आप सच्चे बने रहिए उन सारी बातों के विषय में जो आप समझते हैं. And in this, between these two, even fewer are honest when they do think. और इन सारी बातों के बीच कुछ सच्चे हैं जब वो सोचते हैं. And that also means there are not many people who are very honest even after they think. इसका मतलब ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे नहीं हैं वो सोचने के बाद भी. So Paul is appealing to the Corinthians. और इसलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थ के विश्वासियों से इस बात का आग्रह करता है. To judge the situation themselves. कि वो परिस्थिति को अपने आप उसका न्याय करें. To think and be honest about it. कि वो सोचें और सोचकर उस बात के विषय में सच्चे बने रहें. So in this also point there are few things that we need to consider. और इस बात में भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें देखनी हैं. How about the woman? और स्त्री के विषय में क्या कहें? A woman should think about the relationship between her husband and God. और एक स्त्री को सोचना है उसके रिश्ते के विषय में, वो रिश्ता जो उसके पति के संग, पुरुष के साथ या परमेश्वर के संग है. She should not be praying in the church. और वो कलीसिया में सिर्फ प्रार्थना ना करती रह जाए. When she is improperly dressed. जब वो गलत रीति से पहनावा रख कर कलीसिया आए हैं. And thus exposing herself. और अपने आप को, अपनी देह, अपने शरीर का दिखावा करते हैं. As independent of her husband and even independent of God. और ये दिखाते हुए कि वो अपने पति से आजाद है और यहाँ तक कि परमेश्वर से भी आजाद है और उससे भी निर्भर नहीं है. We must think seriously about it. और इस बात के विषय में हमें गंभीरता से सोचना है. You should also when you think through certain issues, you should also think of the fact that you must maintain the truth,
that you are not independent of God. और इस सच्चाई को भी आपको देखना और मानना है कि आप परमेश्वर से जुदा नहीं है, परमेश्वर से आजाद नहीं है. And so what is the point? She should be, a wife should be properly dressed. Talking about the woman of God. और इसका मतलब ये है कि एक पत्नी सही रीति से पहनावा रखे हुए आए, जिसके क्योंकि एक स्त्री, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्त्री के विषय में जो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री. So she should be properly dressed both in the church and in society. और वो इसलिए कलीसिया के भीतर और समाज में सही पहनावे को रख करके आए. Here is something very dangerous that some of the women can do. और यहाँ एक ऐसी खतरनाक बात है जो कुछ स्त्रियाँ कर सकती हैं. Oh, you know, in the church I'll be properly dressed, but after church on Sunday, you know, I am in the society, so I should look like a society people. So then we relax the dress code. और इसलिए and dress up in the way that we want. और इसलिए ऐसा लगता है कि रविवार को कलीसिया जब कुछ स्त्रियां आती हैं तो वो अच्छे से पहनावा को रखती हैं, और उसके बाद लेकिन सोमवार से जब समाज के बीच होती हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें समाज की तरह रहना है और अपने पहनावे को बदल कर समाज के समान कर लेती. So but remember, note this very carefully. और इस बात को ध्यान पूर्वक आप लिख लीजिए. यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड अ वाइफ ऑफ योर हस्बैंड. Not only inside the church, in the society also, everybody knows you are the wife of a husband. और याद रखिए, सिर्फ कलीसिया के भीतर आप एक पुरुष की पत्नी नहीं हैं या परमेश्वर की संतान नहीं हैं, बल्कि आपके पड़ोस में भी सब जानते हैं कि आप किसकी पत्नी हैं और किस परमेश्वर पर आपका विश्वास है. So don't dress up in a manner which is not fitting to a woman of God. In the society, while you think you must properly be dressed inside the church. और इसलिए इस रीति से आप पहनावे को ना रखिए जैसे आपको लगता है कि उस पहनावे को मत रखिए समाज में जिसको आप कलीसिया के भीतर नहीं रख सकते और आपको पता है कि ये सही नहीं है. What you are in the church, you should be in the society. जो आप कलीसिया में हैं वही आप समाज में भी होने पाए. That is what God expects. और इसी बात की आशा परमेश्वर लगाए हुए हैं. The second thing is, दूसरी बात है, a man should think about nature and creation. एक पुरुष को सोचना है प्रकृति और सृष्टि के विषय में. God created him to hold authority and bring the creator and nature under his authority. और परमेश्वर ने पुरुष की इसलिए रचना करी कि वो सृष्टि पर राज करे और उस सृष्टि को, परमेश्वर की रचना को अपने अधीन रखे और उसे संभाले. That is your responsibility. और ये आपकी जिम्मेदारी है. So man is not to be rebellious. और इसलिए एक मानव को, एक पुरुष को विद्रोह नहीं करना है. Not even a small matter like the length of his hair. और यहाँ तक कि एक छोटी सी बात कि उसके बाल कितने लंबे हैं. Don't be rebellious. आप विद्रोह ना करें. Now we know that we are living at a time when young people, most of them do not know what the Bible speaks. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर जवानों को खास रीति से ये नहीं पता ज्यादातर लोगों को कि वचन क्या बोलता है. Because they hardly get any time to read the Bible because of the pressure of studies and then because of their engagement with the cell phone. क्योंकि उनको समय ही नहीं मिलता है, जो दबाव उनके ऊपर परीक्षाओं और पढ़ाई के वजह से आता है, और साथ ही साथ उनका जो मन लगा हुआ है उस मोबाइल यंत्र में. That is the mistake that young people make. और ये वो गलती है जो जवान लोग करते हैं. And they do not know what the Bible teaches about the style of hair and और वो ये नहीं पता कि बाइबल क्या सिखाती है बालों के विषय में. Remember, you are accountable to God at the end. और याद रखिए, आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होंगे अंत में. His time, man's time and energy are to be given to the work
an authority God has assigned to him. और एक पुरुष के समय और ताकत और शक्ति को उसे देना है उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने उसके हाथों में सौंपे हैं. So what does Genesis chapter 1 verse 1 say? और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 28वें वचन में क्या लिखा है? 1:28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. That's Genesis chapter 1 verse 28. और यह है उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 28वां वचन. And when you read this, what do you understand? और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं आपको क्या समझ में आता है? You man has been given the responsibility of exercising authority over the creations and also over the nature. कि मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि परमेश्वर ने कि वो उस प्रकृति पर और उन रचना को उस सृष्टि को अपने वश में कर ले. And when you consider the nature, और जब आप उस सृष्टि को देखते हैं, Paul's argument here is, पौलुस जो तर्क को यहाँ पर रखता है, even the nature of thing, that's what we read in the verse. और यहाँ उसी बात को हमने वचन में पढ़ा कि वो स्वाभाविक बातें सृष्टि की. Even the nature teaches us that it is a shameful thing for man to have a long hair, but if the woman has a long hair, that is her glory. कि ये प्रकृति भी हमें सिखाती है कि पुरुष के लिए लंबे बाल रखना लज्जा की बात है, जहाँ तक कि एक स्त्री के लिए एक लंबी बाल रखना एक शोभा की बात है. So let us keep in mind, even in making our style for ourselves. और इसलिए इस बात को हम अपने दिमाग में रखें, मन में रखें, जब हम अपने लिए बालों का स्टाइल को भी चुनते हैं तब भी. Consider God. परमेश्वर के विषय में सोचिए. It is He who set these orders for man. क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिसने इन सारी संरचनाओं को उनके स्थानों पर रखा है पुरुष मनुष्य के लिए. So there is a sixth principle that must guide our behavior in relationship between man and woman. और एक छठा सिद्धांत है जो हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है या मार्गदर्शित करता है स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ते में. So let us remember before this fifth principle. कृपया करके हम इस पांचवें सिद्धांत को याद रखें. Man is not to be rebellious, not even a small matter like that length of his hair. कि पुरुष को बलवा नहीं करना है, यहाँ तक कि एक छोटी सी बात उसके बालों को लेकर भी. He is not to be consumed by some trivial matters. और उसे छोटी बातों या बातों को लेकर खुद को उनमें फंस नहीं जाना है. And we must consider what God has taught us, what God demands, and let us yield ourselves to God's way. और हमें वो देखना और समझना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है और अपने आप को उस शिक्षाओं के लिए देना है. A sixth principle is, जो छठा सिद्धांत है, verse 16. 16वां वचन. First Corinthians 11. और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16वां वचन. परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी ओर कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है. If anyone wants to be contentious about this, we have no other practice, nor do the churches of God. That's what the sixth principle is. और यही छठा सिद्धांत है. It guide us what this principle, in which way it help us is, we are not to waste time in arguing about customs and practices. और हमें समय नहीं बर्बाद करना है उन रीति रिवाजों के विषय में बात करने में. Believers should conform themselves to the expected practices of a Christian behavior. और विश्वासियों को अपने आप को समर्पित कर देना है वो विश्वास की जो भी
कार्य हैं जो भी उनके सिद्धांत हैं उनको पालन करने में एंड द चर्च ऑर्डर और कलीसिया के जो सिद्धांत हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल हेल्प अस टू बी इन कन्फर्मिटी विद गॉड्स ऑर्डर एंड नॉट टू गेट इनटू अ रिबेलियस मोड एंड go away from the principles of God. और ये बात हमारी सहायता करेगी कि हम परमेश्वर की संरचना में बने रहें और उसके विरुद्ध या उसका बलवा ना करें. And we are not to argue about it. और हमें इसके विषय में तर्क वितर्क नहीं करना है. Because it is plain and clear. क्योंकि ये बड़ा साधारण और बड़ा स्पष्ट है. What God has put in order, let us not separate it from our life. And set it aside. जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसे हम किनार दरकनार ना कर दें And in conclusion, और इसका निष्कर्ष निकालते हुए let us find out what this lesson actually teaches us. और आइए हम पता करें कि सच में ये शिक्षा हमें क्या सिखाता है. We are not here on earth to argue and rebel. हम इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं है कि हर बात का तर्क वितर्क करें और विद्रोह या बलवा करें. Why are we here? हम क्यों हैं यहाँ पर? We are here only for one purpose. हम सिर्फ एक ही उद्देश्य कारणवश इस पृथ्वी पर हैं. If you are a church person, अगर आप एक कलीसिया के जन हैं, if you are a lover of church, अगर आप कलीसिया से प्रेम रखने वाले and जन हैं, and if you say you are a lover of Jesus Christ, then you ought to be a lover of His church, which is His body. अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि आप उसकी कलीसिया से भी प्रेम रखेंगे. So as such, what are we here for? और इसलिए हम क्यों हैं इस स्थान? We are not here for arguing about these trivial matters. हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि इन सारी बातों के विषय में तर्क वितर्क करें. But to carry on the ministry of God's church. लेकिन हम परमेश्वर की कलीसिया की जो सेवा है उसको आगे बढ़ाते चलें. And what we are doing? और जो हम करते हैं? We are arguing about these trivial matters, and instead of just yielding ourselves to the order of God. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही करते, छोटी-छोटी बातों को लेके तर्क वितर्क, बलवा और विद्रोह करते हैं. If the Bible says It is a shameful thing for a man to have long hair. Then don't go for long hair. और अगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये शर्मनाक बात है एक पुरुष के लिए लंबे बाल को रखना, तो ये सच है और ऐसा ना करें. Let us leave that privilege to the women, because for a woman to have long hair, it is his glory. It is her glory. और उस सौभाग्य को हम स्त्री के लिए छोड़ दें, क्योंकि एक स्त्री के लिए लंबे बाल होना एक शोभा की बात है. There are too many people in the world. Who are going to eternity without salvation? और ऐसे कई सारे लोग हैं इस संसार भर में जो अनंत में जाएंगे लेकिन बिना उद्धार के. Our concern should be about them. हमारा चिंता उनके लिए होना चाहिए. Our conversation should be about them. हमारी बातचीत और वार्तालाप उनके विषय में होना चाहिए. And our planning should be about how to reach more people. With the gospel of Jesus और हमारे योजना ही होना चाहिए कि कैसे हम और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए जीते. Let them bring them in. और उनको अंदर लाएं, परमेश्वर के राज्य में लाएं. And help them to get their salvation. और उनकी सहायता करें कि उन्हें उनका उद्धार मिले. So that when the day come when we are called to be with Jesus. ताकि जब वो दिन आए जब हमें यीशु के संग होने के लिए बुलाया गया. There will be no reason to be afraid of. तब कोई कारण नहीं होगा डरने के लिए. Or reason to be uncertain. और कोई कारण नहीं होगा कि हम अस्थाई हो जाए. As to where am I going? कि ये बात को लेकर कि मैं कहां जाता हूं? Into the very presence of Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु की उपस्थिति में. And that is not going to happen if we just ignore God's principles and God's order and live in our own way. और ये तब तक नहीं होगा अगर ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने तरीकों से जिएंगे, अपने अनुसार जिएंगे और परमेश्वर की आज्ञा और सिद्धांतों को दरकनार रखेंगे. There are too many desperate people. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को लेकर कायल हैं. And they are dying. और वो भूखे हैं, प्यासे हैं आत्मिक रूप से और वो मरते हैं. While we are fighting. जब हम अपने तर्क वितर्क कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. God will not forgive that. और परमेश्वर इस बात को कभी माफ नहीं करेगा. We are accountable to God. हम परमेश्वर के प्रति जवाब दे रखते हैं. And so if the Bible says simple,
just yield ourselves to what the Bible says and thus honor God. और अगर बाइबल में लिखा है तो जैसा लिखा है उसके प्रति हम खुद को दे दें और परमेश्वर का आदर करें. And don't argue about these things. और हर बातों के इस बात इन बातों को लेकर कभी तर्क वितर्क. These are trivial matters. ये छोटी बातें हैं. And God has put an order. और परमेश्वर ने एक संरचना को रखा है. Simply accept that order. और उस संरचना को हम ग्रहण करें और माने. But there are so many dying without salvation. लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है बिना उद्धार के. And while we are fighting. और जब हम लड़ रहे हैं. For what? For meaningless thing. और किन बातों के लिए? अर्थहीन बातों के लिए. Over trivial matters. और ऐसी बातें जिनका कोई मायने नहीं रखते. And let us close this by reading these two verses. और आइए इस अध्ययन को समाप्त करेंगे दो वचनों को पढ़ने के द्वारा. First Corinthians 9:20. पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 20वां वचन. To the Jews I became like a Jew to win the Jew. To those under the law I became like one under the law, though I myself am not under the law. I'm not under the law. So as to win those under the law. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं. जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं. And now look at verse 19 and 22. उसके बाद 19 to 22. उसके बाद 19वें से लेकर 22वें वचन तक. Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone to win as many as possible. To the Jews I became, that's what we read. Verse 21 says, to those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win those not having the law. To the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share it in its blessings. क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं. व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं. मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं. आमेन. आमेन. The Lord bless you through these verses that we just read. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों को जब इनके पढ़ने के द्वारा. Apostle Paul had one passion. Paul Spirit के पास एक ही जुनून था. He did not spend time in arguing and discussing about non issues thing. और पॉल उसने कभी भी समय को व्यर्थ नहीं किया छोटी बातों और अर्थहीन बातों के विषय में बात करने. About which God has clearly given us certain orders. और ऐसी बातों के विषय में जिनके लिए परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रीति से दिशा निर्देश दिए हैं. Just obey what God says. और जो परमेश्वर ने कहा है उसकी आज्ञा मानो. And may the Lord save us from being condemned by the Lord by ignoring and neglecting the one job God has given us to. महोदय परमेश्वर हम सबको बचाए कि हम वो परमेश्वर का ये सिर्फ एकमात्र कार्य जो उसने हमें दिया है उसके प्रति हम विश्वासी योग्य ठहरे. Bring the lost to the knowledge of Jesus Christ. कि वे जो खोए हुए हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में खींच लाएं. So the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. I hope this lesson has been a blessing to you. और मुझे पूरी आशा है कि ये शिक्षा का पाठ आप सबके लिए एक आशीष का कारण है. It has answered certain questions you may have had. और उसने कई सारे सवालों का भी उत्तर दिया है जो आपके पास होंगे. And we shall meet again next और Wednesday. और हम फिर अगले बुधवार को फिर से मुलाकात करेंगे. Before you come next Wednesday, read 1 Corinthians 11:17-34. और इससे पहले अगले हफ्ते हम अध्ययन में जुड़े आप पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 17वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक जरूर पढ़ें.
God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen. Amen. Have a nice night. एक अच्छी रात्रि आप सबकी बीते. Have your supper together as a family. एक पारिवारिक रूप से साथ में भोजन करें. Before you sleep, make sure that you read the word and sing songs of praises and worship the Lord. पहले कि आप सोएं, आप पारिवारिक रूप से परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और प्रार्थना करें. Amen.